वाली व्लॉग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं काफी टाइम बाद व्लॉग बना रही हूँ क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बिजी थी। तो आज जो है मुझे टाइम मिला व्लॉग बनाने का, तो मैंने बोला कि आज मैं व्लॉग शूट करती हूँ। और आज का डे मेरे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है क्योंकि तकरीबन 5-6 महीनों बाद मैं आज अपनी बेस्ट फ्रेंड के घर जा रही हूँ उसको मिलने के लिए। उसको नहीं पता कि मैं यहाँ पर आई हुई हूँ, मैं उसको सरप्राइज दूंगी। तो बस उसको तो मैंने यही बोला है कि मेरी एक फ्रेंड है, वो मेरी कुछ चीजें वो उसके पास हैं, तो वो तुम्हें देने आएगी, तो वो रख लेना ना। तो वो ये समझ रही है कि शायद वो आएगी, तो मैं अभी जाऊंगी उसके घर, सरप्राइज दूंगी उसको। अभी इस टाइम जो है वो दोपहर के 3 हो रहे हैं, तो बस अभी मैं निकलती हूँ उसके घर जाती हूँ और वहां जाके फिर मिलती हूँ उससे, देखती हूँ उसका क्या रिएक्शन होगा। तो यहाँ से सबसे पहले मैं केक लेती हूँ। तो ये चॉकलेट केक ले ली, बस अब जल्दी से निकलते हैं। अभी मैं बैठी हुई मुकद्दर के साथ, तो मैं काफी टाइम बाद आई हूँ। मैंने उसको बोला भी है कि मैं खाना खा के आई हूँ, लेकिन उसने जो वो इतनी सारी चीजें मंगवा ली मेरे लिए, हालांकि मैं घर पे नाश्ता भी करके आई थी और खाना भी। मैं आते ही थोड़ा लेट हो गई थी, मैंने आना जल्दी था लेकिन मैं लेट हो गई। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ उसने मेरे इतनी सारी चीजें मंगवाई है। तुमने इतनी सारी चीजें मंगवा ली मेरे लिए, खाएगा कौन? तुम? मैं इतनी सारी खा सकती हूँ? खाओगी तो? साले को बम से उड़ा दूंगा एक। ये बहुत ज्यादा बदतमीज है। अभी आप लोगों को पता नहीं, अभी ये मेरे सामने ना वो कैमरे के सामने शरीफ बन रही है। वैसे भी शरीफ हूँ। हाँ बहुत, ये खैर अपनी शादी की पहली बार आई ना, ये मुझे थोड़ा प्रोटोकॉल दे रही है। खैर पहली बार और आखिरी बार प्रोटोकॉल मिल रहा है तुम्हें? गजब बेइज्जती है। देखा देखा, मैंने बोला था ना बदतमीज, पता चल गया ना आप सबको। अच्छा मुझे सबसे पहले बताओ कि अभी मैं आई हूँ, तुम्हें कैसा फील हुआ? मैंने तुम्हें सरप्राइज दिया एकदम। मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। तकरीबन हम 7 माह बाद मिल रहे हैं। 7 माह बाद? हाँ 7 मंथ्स हो हाँ, गए। हाँ आई थिंक सो 7 मंथ हो गया। और मुझे बहुत खुशी हुई है इन 7 मंथ्स में। मुझे तुम बहुत याद आई हो, तुम्हारी शादी मैंने मिस कर दी, लेकिन मैं घर बैठ के जो है तुम्हारी रुखसती पे बहुत रोई। झूठी कसम से, कितनी नहीं मैं रोई, बहुत बहुत तुम बहुत रोई थी। मैं इसलिए रोई थी क्योंकि मैं तुम्हारी शादी में भी नहीं आई, मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड की शादी मिस कर दी। मुझे अफसोस है इस बात का, लेकिन लेकिन मैं तुम्हारे लिए दुआ मैंने की थी कि तुम हमेशा खुश रहो, और माशाल्लाह तुम बहुत प्यारी लगती अपनी बारात पे। मैं भी मैंने इसको बताया नहीं था कि मैं यहाँ पर आई हूँ, तो मैंने इसको बोला कि यार चलो मैं आई तो तुम मुझे मिल ले आना। मुझे कह रही तुम मुझे मिल ले आना, मैंने कहा एक तो तुम मेरी शादी पे नहीं आई और ऊपर से मुझे बोल रही हो कि तुम मुझे मिल ले आना, लेकिन फिर भी देखे मैंने दोस्ती नहीं भाई, मैं इसको मिलने के लिए आई। हालांकि इसका काम बनता था लेकिन फिर तुमने मुझे सरप्राइज दिया, मुझे तो पता ही नहीं। वैसे बोलते तुमने मुझे आ बताया मैं बता भी देती ना तब भी तुम ना आती, तो क्या पता मैं आ जाती। बहुत बहुत थैंकफुल है कसम से। अच्छा तुम मुझे बताओ कि तुम मेरे व्यूवर्स को क्या कहना चाहोगे? मैं आपके व्यूवर्स से कहना चाहूंगी कि सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और तालियां। बहुत तेज हो रहा है। पहले बस अब सब कुछ ठंडा हो रहा है तो बस खाते हैं। और फिर मैं और मुकद्दस तो कब से बातें कर रहे हैं। मैं कितने बजे आई थी? 3 बजे ना आई थिंक सो, और अभी 5 हो रहे हैं, मतलब 2 घंटे मुझे आए हुए हो रहे। तो अभी जो है मैं वापस घर जाने लगी हूँ। और मुकद्दस कैसे लगा तुम्हें मुझसे मिलकर? बहुत अच्छा। तो अभी मैं जा रही हूँ, नेक्स्ट टाइम तुम आओगी इंशाल्लाह? इंशाल्लाह। तो ठीक है फिर, सही है फिर। अल्लाह हाफिज़। मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, इसके लिए भी दुआ करें, जल्दी जल्दी इसकी शादी हो जाए मेरी तरह। नहीं इतनी जल्दी नहीं है। ठीक है अल्लाह हाफिज़। हाँ जी, तो मैं अपने घर आ गई हूँ, मुझे मुकद्दस छोड़ने के लिए आई थी। तो बहुत अच्छा लगा, आज का दिन बहुत ज्यादा स्पेशल था मेरे लिए, मतलब इतने टाइम बाद मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड से मिलने के लिए गई। तो अभी मुझे आई थी छोड़ने के लिए और अभी 7 हो रहे हैं और मैं अभी अभी घर आई हूँ, मतलब काफी टाइम स्पेंड किया मैंने उसके साथ। बस अभी वो मुझे छोड़ के चली गई है और पीछे जो सामान है उसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि अगर मैंने तैयार होना हो या कहीं जाना हो तो मुझे कुछ भी नहीं मिलता और मैं इसी तरह गंद मचाती हूँ। तो अभी मैं इसको समेट लूंगी। तो ये था मेरे आज का दिन का व्लॉग, उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरे वीडियोज को लाइक शेयर और अच्छे अच्छे कमेंट करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।